अगर आपने सुबो वर्ल्ड का इस साल का परफॉर्मेंस देखा है तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा बायरन म्यूनिक में ट्रेनिंग कर कर आया है। बायरन म्यूनिक के ट्रेनिंग के बाद अगर सुबो वर्ल्ड को स्पेन में भेजा जाता तो और बढ़िया होता उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्पेन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक फ्यूचर स्टार की, यानी कि एक ऐसे यंगस्टर की जो कि इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर हो सकता है, और उसका नाम है सुबो पॉल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबो पॉल का कैसा परफॉर्मेंस रहा इस साल के आई लीग में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते। तो जिनको सुबो पॉल के बारे में मालूम नहीं, मैं उनको बता दूं कि 2020-21 में बायरन म्यूनिक, जो कि जर्मन फुटबॉल क्लब है और यूरोपियन जायंट है, आप सबको मालूम ही होगा, तो उन्होंने उनके एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वर्ल्ड स्क्वाड चुनी थी और उसमें से इंडिया का भी नाम था और उसमें इंडिया से सुबो पॉल सिलेक्ट हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक साल बायरन म्यूनिक ने ट्रेनिंग की है। एक साल बायरन म्यूनिक में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सुबो पॉल जो इंडिया में रिटर्न आए और यहाँ पे उन्होंने अपना होम क्लब सुदेवा दिल्ली के साथ इस सीज़न का आई लीग खेला। इस साल की सुबो पॉल की परफॉर्मेंस देखे तो इन्होंने आई लीग में 14 मैचेस खेले और 14 मैचेस में उन्होंने 5 गोल मारे, और उससे पहले वाले आई लीग के सीज़न में उन्होंने 8 मैचेस में 4 गोल मारे। अब आपको लग रहा होगा कि सुबो पॉल का परफॉर्मेंस इतना टॉप क्लास नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सुबो पॉल सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड है, और बात करें उनके टीम की सुदेवा दिल्ली की, तो वो कंप्लीट इंडियन साइड के साथ उतरती है आई लीग में, और यहाँ जो इंडियन प्लेयर्स है वो मोस्ट ऑफ यंग प्लेयर्स होते हैं और 2-3 जो है सीनियर प्लेयर्स है। तो एक यंग इंडियन स्क्वाड के साथ आई लीग में खेलना कोई आसान बात नहीं है, और यहाँ पे क्वालिटी का भी फर्क डिफरेंस दिखता है, क्योंकि जो बाकी के टीम्स हैं आई लीग के वो सारे फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर आपने सुबो वर्ल्ड का इस साल का परफॉर्मेंस देखा है तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा बायरन म्यूनिक में ट्रेनिंग कर कर आया है, और उनके जो ट्रेनिंग के सारे इफेक्ट्स हैं उनके गेम प्ले में दिखते हैं। जैसे कि उनका फर्स्ट टच एक प्रॉपर फर्स्ट टच है उनका, जो कि एक यूरोपियन लेवल के प्लेयर्स लेते हैं वैसा ही उनका फर्स्ट टच है। पासिंग उनकी काफ़ी बढ़िया है, यानी एक प्रॉपर पासिंग, कोई भी उनका मिस पास नहीं होता। उनकी पासिंग में देखते हुए तो बहुत अच्छी पासिंग है, और बहुत सारे अटैक थर्ड में उनकी पासिंग और अच्छी होती है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चांसेस क्रिएटेड करने वाले, मानी कि गोल चांसेस क्रिएटेड करने वाले पास किए थे, लेकिन वहाँ पर उनके बाकी के प्लेयर्स की फिनिशिंग अच्छी नहीं है। उनके पास काफ़ी अच्छा विजन है, अगर वहाँ पर देखते हैं कि हाँ स्पेस है तो वहाँ पर वो थ्रू बॉल्स डाल देते, और बहुत अच्छी उनकी पासिंग है अटैक थर्ड में, साथ ही में उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स भी काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पर वो 1v1 में किसी भी प्लेयर को बीट कर देते, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर, तो उनकी 1v1 स्किल्स अच्छी है, ड्रिबलिंग स्किल्स अच्छी है, और जो उनके पास एक जो एक फॉरवर्ड पोजीशन प्लेयर के पास होता है वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट वो भी है, बॉक्स के अंदर हो या फिर बॉक्स के बाहर हो, अगर उनको वहाँ पे दिखता है चांस तो वहाँ पे वो शॉट ले लेते और जो शॉट लेते हैं वो सारे ऑन टारगेट रहते हैं, भले वो सेव हो जाते हैं लेकिन उनके शॉट ऑन टारगेट रहते हैं। सुदेवा दिल्ली के ओनर जो है स्पेन की फोर्थ डिवीजन में एक क्लब ओन करते हैं, और मेरे हिसाब से बायरन म्यूनिक के ट्रेनिंग के बाद अगर सुबो पॉल को स्पेन में भेजा जाता तो और बढ़िया होता उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्पेन एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है, स्पेशली यंग प्लेयर्स को, और सुबो पॉल का गेम देख कर जरूर लगता है कि हाँ, एक फ्यूचर स्टार है, उनके गेम में बहुत ज़्यादा स्किल्स है, और स्पेन एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा डेवलप किया जाता है। अगर वो एक दो साल स्पेन में रहते तो उनको जो है काफ़ी अच्छा मौका मिलता, वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी करते, उनको गेम टाइम भी मिलता जहाँ पे वो खुद को और इम्प्रूव कर सकते थे। दोस्तों, आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सुबो पॉल इतने टैलेंटेड प्लेयर है तो उनको ISL में जरूर आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि सुबो पॉल एक ऐसे प्लेयर है जिनको जो है गेम टाइम की ज़रूरत है, और ISL में उनको काफ़ी कम गेम टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे तो इंडियन फॉरवर्ड्स को ISL में उतना गेम टाइम नहीं मिलता है, ना ही उनको उनके फेवरेट पोजीशन पर खेला जाता है, उनको लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग पर खेला जाता है, और सुबो पॉल एक 18 ईयर्स ओल्ड यंग प्लेयर है तो उनको उनके फॉरवर्ड पोजीशन पर खिलाया तो नहीं जाएगा, साथ ही में उनको लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग वहाँ पर भी उनको मौका मिलना बहुत ज़्यादा कम है, उनको मोस्ट ऑफ टाइम बेंच पर रखा जाएगा और आखिर के कुछ मिनट में सब्स्टिट्यूट होकर उनको लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका गेम प्ले तो खराब ही होगा क्योंकि उनको गेम टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर उनको जो स्पेन में भेजा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, ताकि वहाँ पर उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट स्काउटिंग रिपोर्ट सुबो पॉल के इस साल के परफॉर्मेंस को। ऐसे ही मैं बहुत सारे यंगस्टर की स्काउटिंग रिपोर्ट लाऊंगा आपके लिए इसी चैनल पे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और भी सजेशन दीजिए, जैसे कि आपको अगर आपके नज़र में कोई इंडियन प्लेयर है तो उसके बारे में बताएं, तो उसका मैं स्काउटिंग रिपोर्ट लाऊंगा, तो कमेंट में मुझे वो बात बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता मैं आपका अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।